अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में 16 लोगों की जान जा चुकी है और कई श्रद्धालु अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है रात भर से, और सुबह होते ही इस ऑपरेशन में और तेजी आ गई है, जहां सेना, ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है और किस तरह से जो लोग जख्मी हैं, घायल हैं, उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और अब भी बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग जो जख्मी हैं उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश, और आपको बताएं ये भी जानकारी मिल रही है कि 35 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ में ये बादल फटा कल शाम 5:30 बजे के आसपास, भयानक तबाही मची, लगभग 16 जिंदगियां काल की गाल में समाई हैं। और देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं की बात करें तो उसका दौर जारी है, सभी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अमरनाथ लोग पहुंचे हैं आस्था श्रद्धा को लेकर। लेकिन श्रद्धालुओं की बात करें तो उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि और जोश देखा जा रहा है, पूरा उत्साह, क्योंकि नया जत्था भी रवाना हो गया है अमरनाथ के लिए। लेकिन फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, जब तक हालात सामान्य नहीं होते इंतजार किया जा रहा है। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है, सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से, जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। अब इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने के पूर्व उसे कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे, इनको इधर भी है। ये सैलाब निकलो 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 निकलो, अरे मैं उधर जा सकता हूँ, अरे मरना है, चलो भाग चलो भाग चलो भाग। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है, सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से, जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से